नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। BA पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में पिछले वीडियो में हमने कत्सुतिका होकुसाई के बारे में अध्ययन शुरू किया था। उसी क्रम में ये वीडियो अगला वीडियो है, जिसमें हम होकुसाई की प्रसिद्ध कृतियों के बारे में जानेंगे और उन्हें देखेंगे। इससे पहले जो होकुसाई की प्रयोगशीलता के बारे में हमने जाना था कि वे अपने आप को प्रसिद्धि दिलवाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, और उसमें एक चूज़े का एग्जांपल भी था, चूज़े और उसकी पंजों से बनवाया गया चित्र, जिसे उन्होंने मैपल लीव्स ऑन अ रिवर शीर्षक दिया था। इस तरह से उन्होंने स्वयं को प्रसिद्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हालांकि वे इस पर ही निर्भर नहीं रहे थे। उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी स्वयं को सिद्ध करने में, और इसका परिणाम था कि जापानी कला के जगत में उनका विशिष्ट प्रसिद्धतम चित्रकारों में नाम है। 1810 से 1820 तक वे पुस्तक चित्रण में लगे रहे। 1807 से ही वे आकिन नामक सुप्रसिद्ध जापानी उपन्यासकार के संपर्क में भी रहे, परंतु दोनों ही एक दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या करने लगे थे और इस वजह से वे अलग भी हो गए। चित्रांकन की टेक्निक पर भी उन्होंने कुछ चित्र संग्रह प्रकाशित किए, जिनमें से क्विक लेसन्स इन सिंपल फील्ड ड्राइंग्स, पेंटिंग इन थ्री फॉर्म्स फ्रॉम थ्री व्यूज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, पेंटिंग्स विद वन स्ट्रोक ऑफ द ब्रश। किंतु सबसे प्रसिद्ध उनका मांगा संग्रह रहा। 15 जिल्दों वाले संग्रह का प्रथम खंड 1814 में प्रकाशित हुआ और अंतिम खंड 1878 में। इसमें यथार्थ एवं काल्पनिक जगत के हजारों चित्र हैं, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं वनस्पति के प्रत्येक संभावित क्रियाकलाप को चित्रित करने का प्रयत्न किया गया। इसमें उनकी तुलिका ने अपना निजी प्रभाव छोड़ा है। इस संग्रह की खूब बिक्री हुई और व्यापारिक सफलता ने होकुसाई को इसे आगे चित्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया। यह संग्रह निरंतर लोकप्रिय बना रहा और कई बार पुनर्मुद्रित भी हुआ। 1814 का दूसरा उल्लेखनीय संग्रह शासन गाफू अर्थात प्रकृति के लिए गए चित्र है, जिसमें चुने हुए 14 चित्र अत्यधिक सावधानी के साथ मुद्रित किए गए हैं। कलाकार की दृष्टि से 60 वर्ष की आयु में सन 1820 में उनमें परिपक्वता आई और उन्हें अपनी पूर्ण शक्ति का ज्ञान हुआ। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों एवं पुष्पों तथा पक्षियों के चित्र अंकित किए, जो उनकी श्रेष्ठतम कृतियां मानी जाती हैं। जापान में शुद्ध दृश्य चित्रण में प्रिंट डिज़ाइनर चित्रकारों की अधिक रुचि नहीं थी, किंतु कलाकार की योग्यता की सबसे कठिन परीक्षा इसी विधा में होती है। हिरोशिगे तथा होकुसाई, हिरोशिगे अन्य चित्रकार थे होकुसाई के कंटेम्प्रेरी, ये दोनों ही मूलतः सुंदर स्त्रियों, अभिनेताओं, श्रृंगारपूर्ण विषयों के चित्रकार थे, जिन्होंने उनकी उच्चतम कलात्मक उपलब्धियों को व्यक्त करने हेतु दृश्य चित्रण का विषय अपनाया और उसे लोकप्रिय भी बनाया। इनमें पर्यटन के प्रति बढ़ती हुई तत्कालीन रुचि तथा आवागमन के सुधरे हुए साधनों ने भी सहयोग दिया। होकुसाई के दृश्य चित्र परंपरा से प्रेरित होते हुए भी सर्वथा नवीन थे। चीनी दृश्य चित्रकार और उनके अनुकर्ता जापानी चित्रकार आदर्श दृश्य का अंकन करते थे, जिसे किसी स्थल विशेष के रूप में नहीं पहचाना जा सकता था। इनमें रंगों का कोई महत्व प्राय नहीं था, किंतु जापानी कला में यथार्थ और विशिष्ट के प्रति बहुत जागृति थी। हिरोशिगे तथा होकुसाई ने जापान के विशेष स्थानों के दृश्यों का रंगीन चित्रण करके एक नवीन अध्याय का सूत्रपात किया। इन्हीं में इन कलाकारों ने अपनी निर्बाध कल्पना, संवेदनशील अंतर्दृष्टि, अतिशयता, संघात तथा चयन रुचि आदि को प्रदर्शित किया।
दृश्यों की खोज में होकुसाई ने जापान की बहुत लंबी लंबी यात्राएं भी की। 1823 से 1835 तक उन्होंने फूजी पर्वत के 36 दृश्य बनाए, जापान के निर्झर प्रसिद्ध पुलों के दृश्य, जल के अनेक रूप आदि चित्र संग्रह प्रकाशित किए। फूजी के 10 चित्र और बनाकर संग्रह की चित्र संख्या 46 कर दी गई, जो बहुत लोकप्रिय हुई। संसार में जापान के जो रंगीन प्रिंट सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनमें इस संग्रह के 3 चित्र फूजी इन क्लियर वेदर, फूजी अबोव द लाइटनिंग तथा वेव एट कानागावा भी रहे। तीसरे चित्र में पर्वत की पृष्ठभूमि में लहरें नावों पर चढ़े मानव समूह को अपने दानवीय पंजों में जकड़ने का प्रयत्न कर रही है। लहरों के झाग स्थान स्थान पर पंजे के समान अंकित किए गए हैं। 1835 में होकुसाई ने पुनः फूजी पर्वत के 100 दृश्य अंकित किए। वह नील बड़ी अर्थात प्रशियन ब्लू रंग को जापान में प्रयुक्त करने वाले प्रथम कलाकार माने जाते हैं। इसका प्रभाव अत्यंत सुंदर भी हो सकता है और भद्दा भी। फूलों के चित्रण में उन्होंने यूरोपीय चीनी तथा भारत जापानी पद्धतियों का समन्वय भी किया था। ब्रश के फ्लैट स्ट्रोक्स, फ्लैट और ब्रॉड स्ट्रोक्स, दक्षतापूर्ण रंग योजना एवं शक्तिशाली संयोजन इन चित्रों की विशेषता है। इस प्रकार उन्होंने फूलों की परंपरागत चित्रण विधि को एक नई दिशा दी। किंतु होकुसाई की लोकप्रियता हिरोशिगे के कारण कम होने लगी। 1826 से हिरोशिगे ने जो प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत किए, उन्हें यद्यपि पहले होकुसाई भी चित्रित कर चुके थे, तथापि हिरोशिगे की शैली ने जनता पर अपना अत्यधिक प्रभाव जमाना शुरू किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे शास्त्रीय विषयों की ओर उन्मुख हो गए। उन्होंने चीन तथा जापान के इतिहास से विषय लेना आरंभ किया। होकुसाई जापान के जनकलाकार थे और उनकी कला ने जापान की भूमि से ही प्रेरणा ली थी। एक डिज़ाइनर के रूप में वे किसी भी दृश्य को की मूल प्रेरणा को नष्ट किए बिना उसे सुंदर और कलात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। दृश्य की विशिष्टता की रक्षा का वह सदैव ध्यान रखते थे। आकृति के समान ही उनका रंगों पर अधिकार था। उनके चित्रों की लय में एक आंतरिक एवं अतींद्रिय आनंदानुभव छिपा रहता था। वे भावुकता में बहने वाले कलाकार नहीं थे, फिर भी सहृदय थे। उन्होंने संसार को ऐसी पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया जहां मानवीय क्रियाकलाप बहुत तुच्छ प्रतीत होते हैं। लोकप्रियता का इच्छुक होते हुए भी होकुसाई कभी हिरोशिगे के समान अति लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे। इसी से उनमें उनकी कला में सस्तापन नहीं रहा। उनकी कला में सौंदर्य का अभिनंदन है, जीवन का उल्लास है और स्वप्रेम है। अपने माध्यम पर उन्हें पूरा अधिकार था, यही उनकी कला का सबसे बड़ा रहस्य रहा। उन्होंने विषयों का चयन भी माध्यम के परिष्कार की दृष्टि से किया प्रतीत होता है। कहा जाता है उनकी रेखा ही स्वयं जीवन है। उनके अनेक चित्रों की अनुकृति भी हुई है, पर उनमें वह सजीवता नहीं आ सकी। होकुसाई और उनके प्रतिद्वंदी हिरोशिगे की मृत्यु के उपरांत मुद्रण आंदोलन विनष्ट सा हो गया। धीरे धीरे जापान में यूरोपीय प्रभाव का आधिपत्य हो गया। आरंभ में जब इन दोनों कलाकारों की कृतियां यूरोप पहुंची तो वहां इनकी बहुत प्रशंसा हुई, किंतु पीछे जब उकियोए के पूर्ववर्ती कलाकारों की उत्कृष्टता प्रकाश में आई तो इनकी प्रसिद्धि फीकी पड़ गई। होकुसाई का निधन 1839 में हुआ। उनके अनेकों चित्र प्रसिद्धियों के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए, जिनमें उनके 36 फूजी के 36 चित्रों की श्रृंखला में द ग्रेट वेव ऑफ कानागावा देख सकते हैं हम। इसमें लहरों को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है माउंट फूजी के 36 दृश्यों। उन्होंने झरनों से और फूलों से संबंधित अनेकों चित्र श्रृंखलाएं बनाई, उन्हें हम देख सकते हैं। उनके मांगा संग्रह भी बेहद प्रसिद्ध रहे, उससे संबंधित चित्र हम देख सकते हैं।
प्रकृति दृश्य चित्रण में वे महारत रखते थे। उसके एग्जाम्पल्स इनके चित्र हैं। ग्योडो नदी जो कि बनाई गई है, माउंट फुजी से धुआं निकलते हुए और एक ड्रैगन की सूरत में वो दिखाई दे रहा है। फाइन विंड क्लियर मॉर्निंग जो कि प्रसिद्धतम फुजी श्रृंखला के प्रसिद्धतम चित्रों में से एक था, उसका ये चित्र है। इस तरह से हमने होकुसाई के चित्रों का अध्ययन किया जिनको लैंडस्केप पेंटर्स ने, जापानी कलाकारों में बेस्ट माना जाता है। इनका अध्ययन यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।